हेलो रिबन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमए में इस बार जिस किसी भी कोर्स में आपने फॉर्म डाला है, इस वीडियो में आपका फॉर्म सक्सेसफुल हुआ है या नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, मतलब कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म डाल रहे हैं इस बार उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हुआ नहीं है, हमारा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो आप एएमए के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, आपको इस तरीके से सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आइकन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पीएचडी का फॉर्म लिस्ट है, रिजल्ट है, एडमिशन पोर्टल पीएचडी का, और ये स्कूल का एडमिट कार्ड यानी कि क्लास फर्स्ट का और सिक्स का। इसके अलावा जिस नीचे आप देखेंगे ये लिंक रहा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। मतलब अगर आपको स्टेटस चेक करना है या फॉर्म भी अप्लाई करना है तो सेम उसी लिंक पे जाना होगा। इसके बाद आपने देखा ही होगा ये इसमें आपको सीयूटी के अंदर कौन कौन से कोर्स एएमयू के वो इसे यहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। चाहे आप जिस किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो सीयूटी का हो, सीयूटी का जो भी कोर्स गया है एएमयू में उसके लिए भी आपको इसी लिंक से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी कोर्स के लिए भी इसी से ही। ये रहा गाइड आपका। अब हम यहाँ पर सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही अभी थोड़ा सा देखिए टेक्निकली थोड़ा दिखा रहा है, लेकिन खैर वेट करना चाहिए। या इसके बाद आप सिंपली अगर आपने फॉर्म डाल दिया है तो आप सिंपली साइन अप वाला बटन पे और पासवर्ड पे और इसके बाद इस पर आई एम नॉट पर क्लिक करके लॉगिन पैनल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको ऐड करते चलूँ, जो नए स्टूडेंट है जो अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं वो साइन अप वाले बटन पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म कैसे फिल करना उस पर वीडियो बनाना है वो देख लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हम लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईमेल टाइप कर दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सिंपली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही मैं आपको डायरेक्ट जो है प्रिंट जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने आपके पास वो प्रिंट वाला आइकन दिख ही रहा होगा एक, और प्रिंट मतलब अगर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और अगर इस तरीके से शो कर रहा है रिसीवेबल अमाउंट और ये सारी चीज़ें शो कर रहा है और क्यूआर कोड बनकर आ गया है और ये एप्लीकेशन नंबर जारी हो चुके हैं आपके, हालांकि एप्लीकेशन नंबर तो वैसे भी जारी हो जाता है, बट अगर इस तरीके से आपका शो कर रहा है इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, फॉर्म आपका पेड हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है। चाहे वो स्कूल वाले स्टूडेंट हो यानी 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या बीए बीएससी बीकॉम, जिस किसी भी स्टूडेंट का ये वाला सेक्शन अगर शो कर रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि इसी वाले सेक्शन में शो कर रहा होता है कि नॉट सक्सेसफुल पेड बट नॉट सक्सेसफुल दिखा रहा होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से रिसीवर नंबर ये सारी चीज़ अगर डिटेल शो कर रहा है इसका मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आने वाले टाइम में और भी इसी से रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बनाया जाएगा, आप देखते रहा करिएगा। यहाँ पे एक बात ऐड करते हैं, जिस किसी भी स्टूडेंट को खासकर 11 साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इसके अलावा बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी और बीटेक का जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए 5 से 6 सालों का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया, उस लिंक के थ्रू फिल कर देंगे फॉर्म, आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।